बॉलीवुड इन दिनों बायकॉट की चपेट में है। इसके वजह से आमिर खान की आई मूवी लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की आई मूवी रक्षाबंधन, ये सब बड़े बड़े अभिनेता को का मूवी सब फ्लॉप होती नज़र आ रही है। वहीं साउथ मूवी जितने भी आई वो सब हिट हो जा रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या बायकॉट है या फिर कुछ और है, क्या कारण है इसका? आखिर बड़े बड़े बजटों की फिल्में, बड़े बड़े हीरो की फिल्में क्यों फ्लॉप हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसके पीछे सिर्फ बायकॉट ही रीज़न है या फिर कुछ और रीज़न है? इसी सिलसिले में हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि ये क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है कि अभी साउथ मूवी हिट हो जा रही है लेकिन हिंदी मूवी सारी फ्लॉप हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं। आइए जानते हैं। अभी आप लाइगर देखने गई थी, कैसा लगा आपको? अच्छा है, अनन्या पांडे एज यूजुअल ओवर एक्टिंग एंड विजय देवरकोंडा बेस्ट, लाइक हिज एक्शन कमाल का है, लाइक बहुत अच्छा। और माइक एडिसन लाइक टू मच गुड, लाइक ही वो बूढ़े हो गए हैं बट स्टिल सेम एनर्जी एंड सेम कॉन्सेप्ट और एवरी टाइम एंड एक्शन, मोस्टली एक्शन मूवी है देखना एक्शन के लिए, सॉन्ग्स ठीक ठाक है, अनन्या पांडे एज यूजुअल ओवर एक्टिंग, मतलब अच्छा लगा। हाँ, ओवरऑल गुड एवरेज मूवी। वैसे लोग बात कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा आया था तो क्या आप देखी थी वो? नहीं, मतलब क्या रीजन था नहीं देखने का? जस्ट मतलब लाल सिंह चड्ढा क्योंकि करीना कपूर ओवर एक्टिंग कर रही है और ओवर कॉन्फिडेंस, उसने कहा था इफ़ यू डोंट लाइक आर मूवी डोंट वॉच इट, सो वी आर बॉयकॉटिंग लाल सिंह चड्ढा मूवी। अच्छा, इसकी वजह से आप वो नहीं देखी? उन्हें हमारी वैल्यू पता होनी चाहिए दैट वी आर ऑडियंस, हमने उन्हें स्टार बनाया है, सो ऑफकोर्स। चलिए, थैंक यू। आप मूवी देखने गए थे? अभी नहीं देखे? नहीं, आप जाएंगे। अच्छा, तो लाल सिंह चड्ढा देखे थे? नहीं, तो क्या रीजन है इसका आप नहीं देखे थे तो? लाल सिंह चड्ढा जो मूवी है ना, शुरू से हम लोग विरोध करते आ रहे हैं और जो हमारे हिंदुस्तान का है इस सबको बहुत सारे जगह इस लाल सिंह चड्ढा का विरोध हुआ है। मतलब क्यों? इंटरेस्ट नहीं, मतलब क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा जातिवाद को लेकर बताया गया है बहुत सारा उसमें है। लाल सिंह चड्ढा आप देखे थे? हाँ, लाल सिंह चड्ढा देखे नहीं, उसका ट्रीजर देखे थे लेकिन हमको लगा कि वो उसके बारे में बहुत देखे कि हर जगह विरोध हो रहा है, इसीलिए फिर हम उस मूवी को नहीं देखना पसंद किए। अच्छा, इस वजह से। और रक्षाबंधन अक्षय कुमार का आया था? वो अभी नहीं देखे हैं, वो भी नहीं देखे। तो उसका क्या रीज़न था नहीं देखने का? मूवी अभी आ जाएगा ना, जब ऑनलाइन आ जाएगा तब देख लेंगे, इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। अच्छा, मतलब क्या लगता है आपको कि साउथ मूवी में जितने, मतलब साउथ मूवी जो भी आ रही है वो चल रही है और हम लोग का बॉलीवुड मूवी, मतलब इतना सारे मूवी आई अभी तक सब फ्लॉप होते जा रही है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, मतलब क्या आपको लगता है? इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी मूवी बन रहा है ना तो किसी न किसी जातिवाद को लेकर ऊपर बन रहा है, कोई ना कोई मूवी अधिकतर हिंदी में हो रहा है, अपने में सब लड़ रहे हैं इसी को जाति को लेकर, इसलिए मूवी लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मूवी मैं भी अभी आर देखने आ रहा हूँ, अभी एंट्री हुआ 6:30 बजे। और मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मतलब सुशांत सिंह का जो वो हुआ था, हाँ, तो उस वजह से भी लोग नहीं देख रहे हैं? हाँ, उस वजह से भी 20% है अभी चांस, मतलब हमारे बिहार में तो बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं सुशांत सिंह राजपूत का, जो इसको हम शुरू से ही मानते हैं हत्याकांड है भाई, ये लोग मतलब भाई भतीजावाद ये चल रहा है बॉलीवुड में इस वजह से खासकर, और 90% ज़्यादा लोग बॉलीवुड का ज़्यादा क्रेडिट मुसलमान लोगों ने खराब कर दिया है, जैसे मैं आमिर खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, साला ये सब का मूवी कभी लाइफ में नहीं देखूंगा, कभी नहीं देख सकता हूँ उसका मूवी दोनों। मतलब उसका क्या रीज़न है आप उन लोगों से ऐसा कुछ? वो बहुत उस सबको देखते हैं ना, वो अपने इधर राजनीति में सब बहुत खेलता है, उस सब गेम होता है राजनीति में, उस सबको आप देखिएगा सोशल मीडिया पर उसके बारे में बताया जाता है, राजनीति में वो कुछ गलत बोले थे ऐसा, राजनीति में भी आप बताएंगे क्या बोले थे वो ऐसा? नहीं, अभी तो उतना मेरे को पता नहीं, हम लोग स्टूडेंट हैं उतना पता नहीं, मोबाइल कम ही चलाते हैं, तो यही कारण है ये सब मूवी नहीं देखने का? यही है, ऐसी बहुत इसमें बहुत कारण है ना, अभी आप देखिएगा आपको भी पता है, सलमान खान का जैसे मैं मूवी नहीं देखना पसंद करता हूँ क्योंकि वो अपने ऊपर ले अपने को लेकर 12 लोग को मौत के हत्या उतार दिया था, फिर भी उसको अभी तक सजा कोई नहीं हुई, बेल के ऊपर घूम रहा है सब, उस सबको मूवी हम लोग मुसलमान लोग को ज़्यादा हम लोग नहीं देखते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेपोटिज्म के वजह से ये मतलब मूवी आप लोग नहीं देख रहे हैं या फिर फ्लॉप हो रही है मूवी? हाँ, इसी की वजह से लाल सिंह चड्ढा भी बहुत जगह फ्लॉप हो गया है, बहुत जगह लगा भी नहीं हॉल में। हाँ।
जातिवाद का ही नेपोटिज्म का वजह है कि कोई देखना पसंद नहीं करता। जैसे कि मतलब इतने दिनों में 29 मूवी आई, 29 में से मतलब 26 मूवी फ्लॉप ही हुई, तो मतलब इसके पीछे का, क्योंकि 26 मूवी में ऐसा कुछ क्या था, आप लोग को क्या लगा जिसकी वजह से आप लोग नहीं देखें उसको? नहीं, अब 26 मूवी में आज के डेट में सब लोग, हर लोग साउथ को ज़्यादा देख रहे हैं, साउथ मूवी ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई भी रॉन्ग लैंग्वेज उसमें ना यूज करता है ना ज़्यादा उसमें। मतलब ये साउथ मूवी आपको, आप लोग क्यों देखते हैं इतना, उसमें क्या है, मतलब क्या है इसका, इसका क्या रीज़न? उसमें कोई पहला नंबर तो कोई नेपोटिज्म के बारे में बताया नहीं जाता है। अच्छा। उसमें कोई भी चीज़ ना किसी से धर्म जाती, उसमें कोई भी नेपोटिज्म का, या फिर ऐसा कुछ आपको लगता है कि उसमें का एक्टर सब अच्छा प्रदर्शन करता है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ? हाँ, उसमें हर चीज है ना उसमें। बॉलीवुड से साउथ बढ़िया है। क्यों, मतलब क्यों ऐसा आपको? हीरो परफॉर्मेंस भी बढ़िया कर रहे हैं हर चीज, और सबसे बड़ी बात है नेपोटिज्म की यहाँ पे। इसमें कोई भी मूवी में आप देख लीजिए साउथ की, तो आपने कोई भी नेपोटिज्म अपने धर्म को लेकर नहीं कुछ भी गलत बोलता है। इसमें हर चीज़ है यहाँ पर, कोई भी मूवी देख लीजिए आप उसमें आप। तो जैसे बता रहे हैं आपको, मतलब साउथ मूवी अभी दो तीन दिन पहले ही मतलब एक साउथ मूवी रिलीज हुई थी, तो वो लोगों ने मतलब वो ब्लॉकबस्टर हो गई, तो मतलब इसके पीछे का क्या रीज़न है कि उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और हमारे अभी हमारे सिनेमा, यहाँ का सिनेमा लोग मतलब वो पसंद नहीं कर रहे हैं, सारा मूवी फ्लॉप हो रही है? क्योंकि फ्लॉप होने का बहुत सारा कारण है, जो कि जो आजकल बॉलीवुड में मूवी आ रहा है वो सही तरह से नहीं चल रहा है, बहुत कारण है। और जो साउथ में मूवी आ रहा है वो कोई जाति विवाद नहीं रहता है, जैसे कि RR बहुत सारा साउथ मूवी आया और लाइगर, मतलब उसमें वो अच्छा था और हिंदी वाला ये हम लोग का मूवी जो चलता है वो अच्छा नहीं है, नहीं, मतलब नहीं, इसके पीछे का रीज़न आपको क्या लगता है? इसके पीछे का रीज़न देखिए बहुत है, वहीं जैसे कि बॉलीवुड मूवी हो गया कि वो सब कोई इंटरेस्ट ही नहीं, माने कुछ होता भी है तो कहाँ से बॉलीवुड में, मतलब उसका स्टोरी आपको अच्छा नहीं लगता है इस वजह से नहीं देखते हैं आप? इस वजह से भी, और जो लोग मतलब लोग बोल रहे हैं कि बायकॉट के वजह से, मतलब इस ये भी वजह है, बायकॉट भी का वजह भी बताया जा रहा है, बायकॉट का भी वजह है, लेकिन हम जो सबका वजह अलग अलग होता है ना, वही मेरा वजह अलग है, हम थोड़ा पसंद भी नहीं करते हैं, और साउथ शुरू से भी पसंद करते हैं, साउथ को आज भी करते हैं, बॉलीवुड नो इंटरेस्ट। आप लाल सिंह चड्ढा देखे थे? जी मैम देखे थे। कैसा लगा आपको? हमको तो बहुत बेकार लगा मैम, उसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं था जिससे हमको लगे कि मोटिवेशन मिले या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब कहीं से भी कीचर में से कुछ भी उठा कर बना दिया। मतलब कैसा, मतलब फालतू कुछ भी जोड़ दिया, मतलब उसमें कोई ऐसा ये है ही नहीं जैसे हम लोग को यूथ को या फिर हम लोग को कुछ सीखने को मिले मूवी से, तो हम लोग को कुछ अप्रिशिएट मिलता, मतलब है उसका स्टोरी आपको अच्छा नहीं लगा? एकदम बेकार लगा। बेकार लगा, ठीक है। उससे अच्छा हम कहीं पैसा दान कर देते तो अच्छा लगता। और मतलब लोग बोल रहे हैं कि नेपोटिज्म भी है इस वजह से नहीं देख रहा है लोग मूवी, बड़े बड़े स्टार लोग का मूवी फ्लॉप होते जा रहा है। अक्षय कुमार का भी मूवी आया था रक्षाबंधन, तो वो आप देखे थे? नहीं, वो तो मैम नहीं देखे थे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, जो अच्छा करता है जैसे अल्लू अर्जुन है, रामचरण है, जो अच्छा करता है उसका मूवी तो देखते ही हैं। अच्छा, मतलब साउथ मूवी आपको अच्छा लगता है हिंदी मूवी से? मूवी सब अच्छा लगता है मैम, जो अच्छा करता है सबका अच्छा लगता है। अच्छा, तो हिंदी मूवी आपको मतलब उसमें कुछ अच्छा नहीं दिखा? नहीं, अभी आप लाल सिंह चड्ढा देखे तो उसमें आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ स्टोरी अच्छा नहीं लगा, और भी कोई रीज़न था? नहीं बस वो मूवी में कि आपको जो अच्छा नहीं लगा हो। हाँ, उसमें बहुत मतलब चाट गया पूरा। जैसे कि मतलब साउथ मूवी, जितना भी साउथ मूवी आया सब चल रहा है ब्लॉकबस्टर, और हिंदी मूवी मतलब जितने भी अभी आ रहे हैं सारे फ्लॉप हो रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? उसमें हम लोग का संस्कृति और सभ्यता को अच्छा से मतलब दिखाया जाता है, और हिंदी मूवी में मतलब कुछ भी कर देता है, जैसे PK में ले लीजिए मैम, CUG का पत्थर टाइप का रहता है, उसमें थूक कर उसमें पोछ देता है। नहीं, ऐसा पहले नहीं होता था, पहले तो सब मूवी मतलब अक्षय कुमार का या फिर सब मूवी सब लोग देखता था, लेकिन अभी नहीं देख रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न अभी कुछ महीनों से नहीं देख रहे हैं लोग, तो अभी कुछ महीने से मतलब 29 मूवी आई उसमें से 26 फ्लॉप हो गया, तो ये अभी का क्या है? तो कहने का मतलब यही है मैम कि वो कोई अच्छा कॉन्टेंट तो बना नहीं रहा है अभी कुछ भी लेकर। आप सारी मूवी देखे थे? हाँ, हम तो सारी तो नहीं लेकिन कुछ कुछ देखे हैं। अक्षय कुमार का जो रक्षाबंधन आया था वो देखे थे? नहीं, वो नहीं देखा मैम। क्या रीज़न था वो नहीं देखने का, क्या आपको मतलब टाइम नहीं मिलता है मैम जॉब से, मतलब उस
चलिए ठीक है, थैंक यू। सारी मूवीज देखी है, लाल सिंह चड्ढा देखे थे, लाल सिंह चड्ढा भी देखी। कैसा लगा आपको? हमको ठीक लगा, क्योंकि देखिए बॉयकॉट करने से कुछ होता नहीं है, सिर्फ कॉपी मूवी बना रहे हैं, मतलब सिर्फ कॉपी कर रहा है बॉलीवुड, अपना नया कंटेंट कुछ ला नहीं रहा है, इसी के वजह से। मतलब कैसे का साउथ मूवी का, हॉलीवुड का, हॉलीवुड का चड्ढा है, फॉरेस्ट गंप मूवी है, 1994 का मूवी है, उसी को लंबा कर दिया है 2 घंटा कुछ मिनट का वो मूवी, जबकि 1 घंटा कुछ मिनट का है। आप वो मूवी देखिए, ये मूवी देखिए, एकदम सेम है बस। तो ये रीजन है आपका, मतलब वो मूवी पसंद नहीं आने का? हाँ यही। और लाइगर का है, लाइगर बहुत अच्छा मूवी है, पैन इंडिया मूवी है, विजय देवर। मतलब उसमें आपको क्या अच्छा लगा, उसका स्टोरी अच्छा लगा? हाँ स्टोरी अच्छा लगा। और ये कुछ? और कुछ ये कि विजय देवरकोंडा का पहला पैन इंडिया फिल्म है, क्योंकि ये ऊपर से अच्छा एक्टिंग सब कुछ सही है, इसका कास्ट ये सब कुछ सही है, सारा चीज। मतलब लोग बोल रहे हैं कि ये बायकॉट भी चल रहा है बहुत लोग। ना इस फिल्म को क्यों बायकॉट करेगा, इससे क्या लेना देना है? अरे आप बायकॉट करते हैं तो फिल्म को करते हैं तो कम से कम बचिए कि फिल्म के में कितना मेहनत लगा हुआ है। एक सिर्फ ये एक्टर को फायदा नहीं ना होता है, उसके पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर, कितना सारा परिवार का उसे रोजी रोटी चलता है, उसी पर आप लोग लात मार रहे हैं। और पीके मूवी आया था उसमें भी लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे कि तो उस समय सवाल करना चाहिए था, अब आप दोबारा से 2014 का मूवी है और अब नहीं, अभी भी विरोध हो रहा है इस पे, अभी भी हो रहा है जातिवाद पे, विरोध नहीं किया गया, अब विरोध कर रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे क्या कहेंगे, उस संस्कृति का किसी का मजाक नहीं उड़ाया है, वो तो मूवी है, वो तो खुद आमिर खान भी अपोलाइज किया। मतलब आपको ये सही लग रहा है कि उसमें सही किया गया है, सही है स्टोरी? नहीं, उसमें ये एक चीज गलत दिखाया गया कि शंकर भगवान के पीछे जो भागा ये लेके, वो गलत दिखाया गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि हिंदी फिल्में इसलिए फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि उसमें नेपोटिज्म है। कुछ लोगों ने कहा कि स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि उसमें फिल्म में कॉपी की हुई है, इस वजह से उन लोगों वो लोग मूवी नहीं देख रहे हैं, इस वजह से सारी मूवी ब्लॉक मतलब फ्लॉप हो रही है। और उसका और वही हम लोग साउथ मूवी की बात करें तो लोगों का कहना है कि मतलब उसका स्क्रिप्ट अच्छा होता है, वो संस्कृति के पे आधारित होता है, इस वजह से वो लोग साउथ मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। साउथ मूवी की जितनी भी जो भी फिल्में आ रही हैं सब हिट हो रही हैं। और वहीं हिंदी फिल्में सारी अभी तक जितनी फिल्में आई सारी वो फ्लॉपी हुई। जैसे कि बात करें हम वो अक्षय कुमार की मूवी आई थी अभी रक्षाबंधन, वो भी फ्लॉप हो गई। और आमिर खान का मूवी आया लाल सिंह चड्ढा, वो भी फ्लॉप हो गया। ऐसे ही हम लोगों का कहना यही है कि इस वजह से नेपोटिज्म की वजह से, स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होने की वजह से वो लोग मूवी नहीं देख रहे हैं। इस वजह से लोगों का कहना है कि हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और साउथ की फिल्में हिट हो रही हैं। कैमरामैन विशु के साथ मैं खुशी। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।